अस्सलामुअलैकुम गाइस, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस यार, न्यू व्लॉग में आपको यार वेलकम। अभी तक अगर आप लोगों ने आसिम व्लॉगर 15 की जगह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, और यार 200 सब्सक्राइबर भी यार हमको कंप्लीट करने हैं जल्दी जल्दी। तो यार आज है सैटरडे, यानी आज हफ्ता। तो यार अभी जस्ट अभी असर की अजान हुई है, तो आपके भाई ने जोहर की भी नमाज़ पढ़ ली थी। और यू नो यार, रमज़ान है तो रमज़ान में सभी लेट उठते हैं, इसलिए मैं भी यार 1-1.5 बजे उठा था और उसके बाद जोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत करी। और यू नो यार, रमज़ान है, रमज़ान में मतलब पतंग उड़ती ही उड़ती है, तो आप लोग देख सकते हो वो रही एक। अभी तो थोड़ा दोपहर का टाइम, यानी अभी अभी असर की अजान हुई, अभी इतनी पतंगें नहीं उड़ेगी, थोड़ी टाइम बाद बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ती है। आज भी हम कुछ सोच रहे हैं कि आज शायद हम लोग पतंग उड़ाएं। मैं असद को मैंने कहा था कि आज पतंग उड़ाएंगे, तो आज देखेंगे कि हम लोगों को पतंग उड़ानी है कि नहीं। कोशिश करिए कि उड़ा लें, क्योंकि हमने बहुत दिनों से नहीं उड़ाई है। तो असर की अजान हो चुकी है और आपके भाई का रोज़ा, यार सबसे पहला वाला रोज़ा आपके भाई को बहुत ज़्यादा लगा था, इसके बाद मुझे कोई भी रोज़ा नहीं लगाया, निकल का भी नहीं लगा, आज का भी नहीं लग रहा। और बस 1-2 घंटे रह, 2-3 घंटे रह गए होंगे तकरीबन, इसके बाद अफ्तारी भी है। तो यार पहले हम लोग वुजू वगैरह बनाते हैं और पहले पढ़ते हैं हम लोग असर की नमाज़। कुछ ऐसा है कि आपका भाई असर की नमाज़ पढ़ कर तो आ गया था। यार अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग सारे यार सामान वगैरह लिया है पूरी, यार गिट्टी क्या कहते हैं यार इसको, वे चरखा जो भी यार कहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आता। तो यार इसके साथ साथ ये वाली ये भी है, नहीं पतंग वगैरह भी है। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि शायद हम लोग उड़ाए कि कभी तारीख का टाइम भी होने वाला है, तो प्लान बनने के बाद अच्छा नहीं। आपको जैसे कि आप सभी लोगों को कहा था कि शाम का टाइम जैसे जैसे उतर जाएगा पतंगें उड़ दी जाएगी, और आप लोग देखो यार पूरा आसमान तो भरा हुआ है यार पतंग शतंग। यार आप लोग को नज़र तो आ रहा होगा, ये केरी यानी चील कौओं की तरह सारी पतंगें उड़ रही है, आप लोग देख सकते हो। तो यार अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला 1-2 तो हम लोग पतंगे लाए ऐसे, बाकी बाद में उड़ाएंगे। तो असल अभी कन्ने शन्ने बांध रहा है यार पतंगों में, तो फिर पतंग उड़ाते हैं। अली कन्ने शन्ने बन चुके हैं यार, आप लोग देख सकते हो अब ये बांध रहा है मांझा बांध के यार उड़ाते हैं पतंग छतंग। ये बांध रहा है मांझा, जल्दी बांध ले यार जल्दी। तो यार बन चुका, यार फाइनली पतंग उड़ चुकी है, ये उड़ा रहे। और भाई यार कुछ आप कहना चाहोगे? यार बहुत थोड़ी बहुत मेहनत लगी है उड़ाने में। तो यार थोड़ी देर उड़ा के अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, तो फिर इसको नीचे उतार के फिर चलते हैं। है ना यार, पेच हो रहा है, या तो कटेगी या तो काटेगा ये। चल 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 चल, क्या हुआ? अबे यार कट गई, यार कट गई कट गई, हो चुकी है आप देख सकते हो। रोजा भी खोलना है, और यार हमारा मांझा फंस चुका है, मैं इसको कह रहा हूँ यार जल्दी जल्दी खोल यार, चले रोजा रखा हुआ है, रोजा भी इफ्तार करना है, यानी अफ्तारी भी करनी है इसको। तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ भाई, यार मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, सही है मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तू आ जा। मैंने अफ्तारी भी कर ली थी, इसके बाद तरावी वगैरह भी पढ़ के आ गया था आपका भाई, और आपका भाई ब्राउनी लेस शेज दिया है। तो यार इसके साथ साथ घर में हमारे एक न्यू पेट, हाँ पेट नहीं यार पेट, कोई एक जानवर आया है। तो यार तीतर, ये जो हमारा पुराना वाला तीतर था वो हमने दे दिया था, मेरे बड़े भाई ने किसको दे दिया था, तो हम लोग नया वाला कोई तीतर लाया, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो यार पहले इसको फोड़ दे, फिर मिलते हैं। भाई ने फजर की नमाज तो पढ़ ली है, सही है, जस्ट अभी मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। और आपको नमाज के बाद अगर ऐसा व्यू देख देख अपने, तो यार क्या ही बात है यार। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने यानी कुरान शरीफ की तिलावत तो कर ली थी, अभी मैं और असद आए हुए ऊपर। ओ भाई अपनी शक्ल दिखा दे, वो रहा यार
यहाँ पे है, ऐसा झांक रहे हैं यार बारिश। यार हम लोग सोच रहे कुछ करें, खेलेंगे खेलेंगे तो नहीं यार, शायद हम लोग उड़ा ले पतंग। हाँ शायद, क्योंकि इतनी फजर का टाइम हो रहा है, यानी फजर की यार मौसम इतना प्यारा हुआ। देखो चील का वो का टाइम हो गया है, निकली है अब वही मगरब तक घूमती रहेंगी। यार सोचते क्या करना है, फिर मिलते हैं। यार गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग 6:30 बजे, यार आप लोग देख सकते हैं यार हम लोग अभी पतंग उड़ा रहे हैं यार भाई 6:30 बजे। यार लोग छत पे चढ़ेंगे तो कहेंगे यार कि कोई पागल वागल के बच्चे के 6:30 बजे छत पे पतंग उड़ा रहे। चलो हाँ यार ये भी बात है, अपने शौक है ना यार, खुद से जिए तो लोगों का सोचोगे तो यार कोई मतलब नहीं बनता। मैंने कहा यार मैं स्टैंड वगैरह लिया था, मैंने कहा चलो यार स्पी लगा के बनाएंगे, लेकिन यार इतनी प्यारी उड़ रही यार पतंग वगैरह का, चलो आपको ऐसे ही दिखा देते हैं यार पतंग में माशाल्लाह से बहुत प्यारे हुए। भाई मुझे भी उड़ाने दे यार, उड़ाने दे यार। तो यार छत पे आए हुए, यहाँ पे भी बड़ा कोई प्यारा मौसम हो रहा है, यानी सुबह सुबह ऐसा ही मौसम होता है। पतंग छतंग उड़ी है यार, यार ऐसा मुझे उड़ाने दे भाई। अबे यार गोल गोल घूम रही है, इससे नहीं पकड़ी है देखा। हाँ यार मुझे उड़ानी भी कहाँ आती है पतंग। सो यार गाइस मिलते हैं जरा आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रैग फेल हो गया यार, ये उड़ गया है जस्ट मैं बोल रहा था और ये उड़ गया। सच्चे सच मुझे पता है कितना गंदा फ्रैग होने वाला था तेरे को पता है, सब कुछ यानी सेट करने वाला था और ये उड़ गया। तो गाइस अभी प्रॉपर मैं आपको बात बताता हूँ कि कल रात में आपका भाई यानी कल रात में नहीं, एक दिन पूरा हो गया है, एक दिन बाद आपका भाई यानी कल इसके बाद परसों हम लोग पतंग शतंग उड़ान के बाद आए थे और उसके बाद डायरेक्ट सो गए थे। और फिर वो यानी आज स्कूल जाना था, आज दूसरा दिन, और अभी मैं जस्ट यानी मगरिब नमाज़ पढ़ के आया हूँ, पढ़ाई करते करते उठा था तो मैंने कहा यार ये सोया हुआ है, दोबारा सो गया। तो यार अभी तरावी का भी टाइम होने यानी अजान होगी तो तरावी का भी टाइम होने वाला है, तो मिलते हैं जरा आपसे थोड़ी देर बाद। जस्ट अभी आपका भाई एक शॉर्ट बना के उठाया है, आप लोग देख सकते हो सामान वगैरह बिखरा हुआ है लोग देख सकते हो, और मेरा वो वाला जो ड्राइवर टूटा था वो दोबारा से टूट गया है, दो तीन दिनों के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि यार मैं बिजी होता हूँ, ब्लॉग को बना नहीं पाता। और जो मैंने आपको सरप्राइज का कहा था कि हम लोगों ने न्यू सीजन लिया है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल के दिन ही दिखाऊंगा और कल इस ब्लॉग को एंड भी कर दूंगा, क्योंकि कम से कम 2 हफ्ते हो गए यार इस ब्लॉग को, यार ये चल ही रहा है और मैं इसको एंड भी नहीं कर पा रहा हूँ ना इसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। अभी मैं आप देख सकते हो रेडी वेडी हुआ हूँ, अभी मैं तरावी वगैरह भी पढ़ कर आ गया हूँ और माशाल्लाह सारे रोज़े रखे हैं आपके भाई ने। और इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे दोस्त आ रहे पुराने, यानी जहाँ मैं पहले इलाके में रहता था, मेरे से बड़े हैं मेरे दोस्त हैं, पहले बहुत बड़े यूट्यूबर रह चुके हैं, यानी वो लोग बहुत फनी फनी वीडियो बनाते थे। आज हम लोग वहीं जाएंगे, यानी उन लोग को मैंने बुलाया है, तो अभी कॉल आ रही है शायद एक सेकेंड, अभी बड़े भाई की कॉल आ गई थी कोई काम था। तो यार मैं कह रहा था कि आप सभी लोगों को कि अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं यूट्यूबर रह चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने वगैरह, तो जस्ट अभी हम लोग वहीं के लिए निकल रहे, वो लोग 2 दिन लड़ी है, मैं भी जा रहा हूँ वो कोई खाने वगैरह जा रहे, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है उसको विश भी करना है, तो मिलता है वहीं भी आपसे। फाइनली आज दूसरा दिन और वो टाइम आ चुका है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो हमने नया थिएटर लिया वो वाला मैं अभी आपको हम लोग थिएटर दिखाने वाले हैं। तो आज जुम्मा, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आ गया था, अभी जस्ट अभी असर की अजान हुई है तो असर की नमाज भी पढ़ने जाना है। तो इससे पहले मैं आपको थिएटर दिखा देता हूँ, ये है कोई हमारा थिएटर, ये गाइस हमारा थिएटर आप लोग देख सकते हैं, ये कोई हमारा प्यारा सा थिएटर, ये आवाज भी बहुत ज्यादा जोर से निकालते इसकी आवाज हम लोग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, वो आपके लिए होगा सरप्राइज। तो आज के स्टॉक आपको लगा था शॉप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, लाइक सब्सक्राइब करना गाड़ के रख दो, अल्लाह हाफिज़।